इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ईसीसी इंटरनेशनल T10 के दोस्तों आज के फर्स्ट एलिमिनेटर मैच के बारे में जो आपका खेला जाएगा FIN और CHE टीम के बीच में। यह मैच दोस्तों शाम के 4 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक ना। इस मैच के रिगार्डिंग दोस्तों जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया, और सच बताऊँ देखो 10 प्लेयर ना इस मैच में सभी लोग एक जैसे ही लेके आएंगे। ये जो 10 प्लेयर है मैं बता रहा हूँ, सभी लोग ये 10 प्लेयर को लेके जाएंगे। जो आपका गेम पूरा बनने वाला है ना, चाहे आपका गेम बिगड़ेगा या आपका गेम दोस्तों बनेगा, वो है आपका 11th प्लेयर। बस और कुछ नहीं है इस मैच में। कैप्टन बीसी भी मुझे लगता है सभी लोग सेम ही आएंगे, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। पूरा गेम आपका डिपेंड करता है दोस्तों 11th प्लेयर, तो सबसे ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि कितने 11th प्लेयर का ऑप्शन है इस मैच में जिन पे आपको फोकस रखना है। 4 ऑप्शन है 11th प्लेयर में, 4। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, और फाइनल टीम जो मैंने वीडियो में दिया है सेव कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियो को ध्यान में रखते हुए फाइनल टीम अपडेट कर लीजिएगा, ठीक ना। और जिन भाइयों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, और कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट आप जाके चेक कीजिए, वहाँ पर भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि मैं एक्टिव रहता हूँ तो टेलीग्राम पे भी आपको फाइनल टीम अपडेट कर दूंगा। यदि मैं एक्टिव नहीं रह पाता हूँ क्योंकि अभी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो फाइनल टीम आप लोग वीडियो को ध्यान में रख के लेके चले जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग फिनलैंड और स्विट्जरलैंड के मैच में क्या कम्बिनेशन अपना रखेंगे। सबसे पहले आते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन, जहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका एस नारायण का। नारायण दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्लेयर अच्छा है, लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या है ना कि इस लेवल पे, डैट मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे ना, इनको बैटिंग दिया नहीं जा रहा है। बैटिंग दोस्तों ध्यान रखिएगा 9 नंबर पे करने आएंगे, ठीक ना। अब यदि दोस्तों कोई प्लेयर 9 नंबर पे बैटिंग करने आएगा और वो भी 10 ओवर का मैच है, तो आप समझ सकते हो कि वो ज़्यादा आपको पॉइंट नहीं दे सकता है। तो ज़्यादातर पॉइंट ना ये आपको विकेट कीपिंग से देंगे। अब इसके अलावा और भी ऑप्शन देखोगे तो नीचे मिलेंगे सी जया सिंह। अब इनका भी ना दोस्तों सेम वही स्टोरी है, ठीक ना। ये भी दोस्तों आपको बैटिंग 8 से 9 नंबर पे करने आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दोस्तों बैटिंग से नहीं, ये भी आपको विकेट कीपिंग से करके देंगे। एक आधे दोस्तों खेलेंगे नहीं, तो आपके पास इस मैच में ना विकेट कीपिंग सेक्शन से 2 ऑप्शन है, और दोनों ऐसे ऑप्शन है जो आपको बैटिंग से कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ विकेट कीपिंग सेक्शन से आपको कैच और स्टॉम्पिंग करके पॉइंट देंगे। तो आपको सच बताऊँ ना, जिसको लेना चाहते हो ले लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका हाई सिलेक्शन है नहीं तो इन्हीं को लेना है। आपको इनको मन है लेने का, ले लो ना, क्यों टेंशन लेते हो, जाओ ले लो, जिसको मन करे उसको ले लो, क्योंकि कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है विकेट कीपिंग सेक्शन से, ठीक ना। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। हाँ, जब लास्ट टाइम दोनों टीम खेली थी तो दोनों में से किसने ज़्यादा पॉइंट दिया था, तो इन्होंने 24 पॉइंट दिया था जब लास्ट टाइम इन्होंने स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट खेला था, और इन्होंने दोस्तों जब लास्ट टाइम फिनलैंड के अगेंस्ट खेला था तो 27 पॉइंट दिया था। तो 2 पॉइंट से ना नारायण ने ज़्यादा दिया था, तो अभी चलो नारायण को ही ले लेते। लेकिन ध्यान रखना प्लीज़, जिसको आपको लेना हो उसको आप ले लेना, कोई भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं करेगा। बैटिंग सेक्शन में आओगे, एम इंद्रस को ले लेना, ओपन बैटिंग कर रहा है, अच्छा प्लेयर है, जब लास्ट टाइम भी इस टीम के अगेंस्ट खेला था तो बहुत अच्छा बैटिंग करके गया था। जी अब्बास भट्ट ओपन बैटिंग करेंगे फिनलैंड के लिए, बहुत अच्छे दोस्तों हार्ड हिटर बैट्समैन है। टूर्नामेंट बहुत अच्छा नहीं गया बट ठीक है, बैक करके चलिए दोस्तों, ओपन बैटिंग कर रहे हैं, अच्छा करके निकल सकते हैं। जे ओब्रायन अनदर इम्पॉर्टेंट प्लेयर दोस्तों, जिनको आपको टीम में लेना है, ओपन बैटिंग करेंगे, उम्मीद पूरा रखना, बड़ा मैच है दोस्तों तो बड़े प्लेयर जरूर परफॉर्मेंस करके देंगे। एज दसन देखो दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेयर है ना जो बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है, लेकिन बस करता है ना, बॉलिंग से विकेट ले पाता है ना बैटिंग से रन कर पाता है, एकदम आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, एकदम क्या बोले, रन नहीं हो रहा है इससे। मैंने इनको ना 1-2 मैच में टीम में लिया भी है, बट इन्होंने सिर्फ धोखा ही दिया है। परफॉर्मेंस देखोगे तो एकदम फटीचर वाला परफॉर्मेंस रहा है, ना बैटिंग से परफॉर्मेंस है सही से, ना बॉलिंग से परफॉर्मेंस है। अब ज़्यादा मेरे को ना इन पे रिक्स लेने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन सच बताओ ग्रैंड लीग में यदि 1-2 टीम में आप बैक करना चाहते हो और आपके पास बजट हो तो कर लेना ना, कौन ठीक है। यदि इनका दिन रहा तो इसी मैच में आपको 100 से ऊपर फैंटेसी पॉइंट दे जाए,
क्योंकि देखो प्लेयर ऐसा है ना, एक तो ये टीम का कैप्टन है। अब आपको भी पता है दोस्तों, T10 के मैच में यदि कोई टीम का कैप्टन रहता है तो अपने मनमर्जी का करता है, तो ये बॉलिंग तो ज़रूर करेगा और बैटिंग भी टॉप ऑर्डर में करने आएगा। हाँ, वही अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आया, बट कौन जानता है दोस्तों इसी मैच में आ जाए। तो ग्रैंड लीग में ना और मिनी GL में आप ऐसे प्लेयर पे रिस्क ले सकते हो, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ना। बजट ना हो तो मत लेना। ए मामू दोस्तों टोटली आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, एकदम परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है इनसे। इनको ड्रॉप करके ही हम लोग चलेंगे, इनको भी ड्रॉप करके ही चलेंगे। ए नामद भी कुछ भी नहीं करेंगे, नीचे से हटाओ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बैटिंग सेक्शन से ये तीन सभी सभी के टीम में होंगे। चौथा ऑप्शन ये है जो हाई रिक्स ही ऑप्शन है, जो बहुत कम लोग टीम में लेके आएंगे। और राउंडर सेक्शन में आइएगा, ए से इम्पोर्टेंट रहेंगे, कैप्टन बीसी के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। जब लास्ट टाइम भी इन्होंने खेला था स्विट्जरलैंड टीम के अगेंस्ट, वहाँ पे बॉलिंग से 2 विकेट लिए थे, और बैटिंग बैकअप भी आपको दे रहे हैं। मस्ट इम्पॉर्टेंट पिक है। एन सैलून अनदर इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, जिनको आप कैप्टन बीसी कर सकते हैं, बढ़िया ऑलराउंडर प्लेयर है। बैटिंग थोड़ा सा ख़राब गया है लेकिन बॉलिंग से स्टिल अच्छा कर रहे हैं। डी जॉनसन का दोस्तों लास्ट कुछ मैच बहुत बेहतरीन गया है, स्पेशली बैटिंग बॉलिंग दोनों से। बैटिंग से तो अच्छा कर रहे थे, बॉलिंग से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। आर स्टेंजाई ज़रूर लेके चलिएगा, बैटिंग से एकदम ख़राब परफॉर्मेंस आ रहा है, बट बॉलिंग से आपको अच्छा खासा पॉइंट दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। एम दाम्बे टूर्नामेंट में जितना भी मैच खेले हैं, इस टूर्नामेंट में अभी तक 4 मैच खेले हैं, चारों मैच में आपको विकेट लिए हैं और सभी मैच में 2-2 ओवर का कंफर्म बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक मस्ट इम्पॉर्टेंट पिक रहेंगे। जे सिन को दोस्तों मैं अभी स्मॉलिंग में तो जगह नहीं दूंगा, ट्राई करना चाहते हो GL में आप ट्राई कर सकते हो। स्मॉलिंग में ना रहने का रीज़न क्या है ना, कि एक तो वो 2 ओवर का बॉलिंग सभी मैच में कर नहीं रहे हैं और विकेट भी नहीं मिल पा रहा है। चाहो तो आप GL में ले सकते हो, ठीक ना, क्योंकि 1 ओवर का बॉलिंग ज़रूर कर रहे हैं। अभी पहला ओवर बहुत अच्छा चला जाता है तो फिर दूसरा ओवर भी इनको मिल सकता है, लेकिन वही है अभी स्मॉलिंग में मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उतना खास नहीं किया है। बॉलिंग सेक्शन में आइएगा, इधर आप ये स्पिनर को ले लो यार, कमाल का परफॉर्मेंस रहा। पहला मैच में यदि छोड़ दूँ इनका, पहला मैच ना ये बहुत ही अजीब बॉलिंग किए थे, खाली फुल टॉस और वाइड फेंक रहे थे। उसके बाद से इन्होंने जो कमबैक किया है ना, आप देखो यहाँ पे विकेट 3 विकेट, यहाँ पे 2 विकेट और ये वाले मैच में भी 2 विकेट, मतलब कि 4 मैच में इन्होंने ऑलरेडी 7 विकेट आपको प्रोवाइड कर दिए। कमाल का परफॉर्मेंस है। जब लास्ट टाइम इस टीम के अगेंस्ट खेले थे स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट, वहाँ पर भी बॉलिंग से 3 विकेट लिए थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। नीचे आपको प्रवीण कुमार का ऑप्शन मिलेगा। प्रवीण देखो लास्ट मैच में ना 2 ओवर का बॉलिंग किया ज़रूर है, लेकिन एक चीज़ देखो ना, 4 मैच इसने खेला है, 4 मैच में 2 मैच में बॉलिंग एकदम नहीं किया है, 2 मैच में बॉलिंग किए हैं और वहाँ पे आपको 3 विकेट प्रोवाइड किए हैं, लेकिन 2 मैच में बॉलिंग नहीं किए, जिसका थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। पहला मैच में बॉलिंग नहीं दिया गया, इस मैच में 1 ओवर बॉलिंग किए, फिर ये स्पेन के अगेंस्ट भी बॉलिंग नहीं दिया गया, इस मैच में 2 विकेट लिए। थोड़ा सा रिक्सी ऑप्शन है, बट देखो जो लास्ट ऑप्शन बचता है ना आपके पास 11th प्लेयर का, हो सकता है यही आपका गेम बनाए, यही आपका गेम बिगाड़े। आपके पास 11th प्लेयर के लिए प्रवीण कुमार को आप ट्राई कर सकते हो। एम अहमद जाई एक ऐसा बॉलर जो 2 ओवर का कंफर्म बॉलिंग करके देता है, विकेट टेकर नहीं है लेकिन बॉलिंग 2 ओवर का ज़रूर करेगा। आर मोहम्मद जो बहुत अच्छा बॉलर है लेकिन विकेट नहीं मिल रहा है इसको, ठीक ना। बॉलिंग तो ये आपको 2-2 ओवर का सभी मैच में कर रहा है, ऐसा कोई मैच नहीं है जिसमें ये 2 ओवर का बॉलिंग ना किया हो, सभी मैच में आपको 2 ओवर का बॉलिंग कर रहा है, वही ये विकेट नहीं ले पा रहा है, लेकिन ख़राब ऑप्शन नहीं है। तो 11th प्लेयर के लिए ना आपके पास देखो प्रवीण कुमार, एम अहमद शाही, आर मोहम्मद और बैटिंग सेक्शन से एच जसन, ये 4 ऑप्शन है। ये 4 ऑप्शन में से दोस्तों जिसको आपको मन करे आप उसको पिक कर सकते हो, या मान के चलो GL मिनी GL में 4 टीम बना रहे हो तो एक एक प्लेयर करके सबको ट्राई कर लेना, ठीक ना। स्पेशली दोस्तों यदि आर मोहम्मद और एस दसन जैसे प्लेयर अच्छा कर जाते हैं तो आपका कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा निकल सकता है, और इसके अलावा कोई प्लेयर मत लेना। कैप्टन बीसी किसको करना है, तो देखो दोस्तों कैप्टन बीसी के लिए सच बताऊँ ए सेरी मेरे को सबसे अच्छा दिख रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है टूर्नामेंट में बॉलिंग बैटिंग दोनों से। बीसी के लिए हम मैं तो अभी एन सेलोन के साथ ही जा रहा हूँ, बट बीसी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। डी जॉनसन, जॉनसन रिसेंट मैच बहुत अच्छा गया स्पेशली बॉलिंग से, बैटिंग तो ये पहले भी ठीक कर रहा था
बॉलिंग रिसेंट मैचों में इनका अच्छा रहा है तो आप इनको भी बीसी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा यदि आप रिस्क लेने वाले बंदे हो तो आप ऊपर से ए मिद्रास जैसे प्लेयर को भी ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए इस टीम को आप लोग सेव कर लीजिए, कोई चेंज या कोई अपडेट इस टीम में करना होगा तो मैं खुद आपको फाइनल अपडेटेड कम्बिनेशन टेलीग्राम पे कोशिश करूँगा शेयर करने का, क्योंकि अभी प्रॉब्लम क्या है ना, तबीयत ख़राब होने की वजह से ना मैं हमेशा एक्टिव नहीं रहता हूँ टेलीग्राम पे। तो आप लोग कोशिश करना वीडियो में जो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है उसी को ध्यान में रख के अपना फाइनल टीम बनाएं। यदि मैं अपडेट कर पाता हूँ तो मैं आपको अपडेट टेलीग्राम पे कर दूँगा। टेलीग्राम चैनल को आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर कीजिएगा, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आप कॉमेंट सेक्शन में भी जाके चेक कीजिए, वहाँ पर भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का घंटी बजा दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो का ईजिली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों एंड बाय।